आज बात आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट की और रिजल्ट के बाद हो रहे उग्र प्रदर्शन की। भारत सरकार ने सब कुछ लूटने के बाद अब एक लेटर जारी किया है कि हम अभ्यर्थियों से बातचीत करने को राजी है। पर बड़ा सवाल, सब कुछ लूटने के बाद पाया तो फिर क्या पाया? आज देश ने अशोक राजपथ की झांकी के साथ बेरोजगार युवाओं की झांकी भी देखी। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के दिन रेलवे ट्रैक की झांकी कहीं न कहीं भारत सरकार की पोल खोल रही थी। देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है पर बेरोजगार युवा अभी भी रेलवे ट्रैक पर जनगण मन करने को मजबूर है। जिम्मेवार कौन है? ये तस्वीरें कोई आम तस्वीरें नहीं है। ये बेरोजगार युवा गणतंत्र दिवस के दिन ये जो बड़ा आंदोलन कर रहे हैं कहीं ना कहीं भारत की फेल हो चुकी खस्ताहाल सिस्टम की गवाही दे रही है। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के दिन रेलवे ट्रैक पर जनगण गाने को मजबूर हो, इससे बदतर स्थिति नहीं हो सकती। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं आम भारतवासी की आत्मा को झंझोड़ती हैं। भारत 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है पर लोकतंत्र है कहाँ? ये बेरोजगार युवा लगातार सरकार के सामने गिरगिराते रहे, मिन्नतें करते रहे कि हमारी बात सुन लीजिए हुजूर। पर हुजूर को ऐसी कमरे में बैठने से फुर्सत नहीं थी। हुजूर मलाई खाने में व्यस्त थे। हुजूर और हुजूर के उच्च अधिकारी सुनने को तैयार नहीं थे। अंत में आप देख सकते हैं तस्वीरों में आम अभ्यर्थी जब उग्र हुए हैं तो हुजूर त्राही त्राही खुद आकर शरण में गिरे और माफी मांगी और कह रहे हैं कि अब हम इस पर जांच करवाएंगे। पर आप समझ सकते हैं कि लगभग 15 दिनों से ये अभ्यर्थी सरकार और विभाग को कई बार गुहार लगा चुके थे कि हुजूर इस पर ध्यान दीजिए, आपसे गलती हुई है। पर हुजूर सुनने को तैयार नहीं थे। इस राष्ट्रीय क्षति का जिम्मेवार कौन है? हुजूर और हुजूर की पूरी फौज है। क्योंकि ना हुजूर ऐसी कमरे से बाहर निकलकर झांकते हैं, ना ही इनके उच्च अधिकारी। और जब अंत में आम बेरोजगार युवा सड़क पर उतरते हैं और ये होता है, तब जाकर हुजूर को होश आता है। इतनी तबाही और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति का जिम्मेवार कौन है? इस तबाही का जिम्मेवार सीधे सीधे ये इसी कमरे में बैठे मंत्री और उच्च अधिकारी हैं। पर बड़ा सवाल, इनकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा? क्या बार बार अभ्यर्थियों को यूं ही रेलवे ट्रैक पर बैठना होगा, ट्रेनों में आग लगानी होगी? अब वक्त आ गया है कि जब जिम्मेवारी तय हो, इन सब क्षतियों के लिए जिम्मेवार कौन है? और जिम्मेवार सिस्टम है, जिम्मेवार उच्च अधिकारी है, जिम्मेवार सरकार के मंत्री है। आज 73वें गणतंत्र दिवस के दिन ये जो काला दिवस देखने को मिल रहा है, आप समझ सकते हैं ये तबाही रोकी जा सकती थी, इन ट्रेनों को जलने से रोका जा सकता था, पर सरकार सिस्टम सोई थी। आप समझ सकते हैं कि पिछले 3 से 4 दिनों से उग्र प्रदर्शन हो रहा है,
पर ना ही मंत्री जी को इसकी फिक्र थी, ना ही उच्च अधिकारियों को। अंत में जब अभ्यर्थी उग्र हुए हैं तब मंत्री जी लाइव आए हैं, और लाइव आने के बाद अब मंत्री जी जांच करने की बाद करते हैं, कमेटी बनाने की बात करते हैं। हद तो तब हो गई जब मंत्री जी ने कहा कि हम भी आप में से ही एक है। रेल मंत्री का यह बयान कहीं ना कहीं शर्मनाक है, क्योंकि अगर मंत्री जी इन बेरोजगार युवाओं में से एक होते तो इनका दर्द पहले ही सुन लेते और इतनी तबाही न मचती। रेलवे आपकी संपत्ति है, आप जिस परीक्षा को देकर रेलवे की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, आप रेलवे के भविष्य हैं, आप अपनी संपत्ति को संभाल के रखें। मैं भी इसी तरह की एक प्रणाली से गुजरा हुआ हूँ, समझ सकता हूँ इसको मैं, इसलिए एकदम सीरियसली आपके सारे पॉइंट्स को लेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले, और जो कमिटी बनाई है और हर एक आरआरबी के चेयरमैन को बोला गया है कि आप जहां पर भी जो भी अपने कंसर्न्स आपके सामने फॉर्मली इनफॉर्मली रखना चाहे, आप उनकी बात सुनिए और उसको सारे कंसर्न्स को कंपाइल करिए, कंपाइल करके कमिटी के पास भेजें, और कमिटी आपके साथ डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर रही है। एक ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपके सामने पब्लिसाइज किया गया है। इसके अलावा कमिटी फिजिकली भी देश के कई जगह में जाके आप लोगों से मिलेंगी। आपने रेल मंत्री का शर्मनाक बयान सुना, आप समझ सकते हैं रेल मंत्री कहते हैं कि हम आप में से ही एक हैं। कैसे एक हैं? अगर आप एक होते तो इतनी तबाही ना मचती। इन करोड़ों रुपए के सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का जिम्मेवार कौन है? आप और आपके उच्च अधिकारी हैं, जिन्होंने 73वें गणतंत्र दिवस के दिन ये काला दिवस पूरे भारतवासियों को दिखाया। और इसके लिए सबसे पहले जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, जिम्मेवारी नेताओं और उच्च अधिकारियों की, कि आज जो करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति स्वाहा हुई है इसका जुर्माना रेल मंत्री और रेल मंत्री के चमचों से वसूलनी चाहिए, क्योंकि ये इन्हीं की देन है। जो ऐसी कमरे से कभी बाहर नहीं निकलते, आम अभ्यर्थियों का दर्द नहीं समझते, आप 3 साल 4 साल में परीक्षा लेते हैं, रिजल्ट में हेर फेर करते हैं और अंत में आम अभ्यर्थियों को सड़क पर आना पड़ता है, जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और आपका इस्तीफा सबसे पहले होना चाहिए। पर बड़ी बात यह है कि यह सिस्टम जो फेल है, ये कैसे कार्रवाई करेगा? चंद नेताओं का गुलाम यह सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा? आज 73वें गणतंत्र दिवस के दिन, भारत के लोकतंत्र होने के दिन, ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के साथ खिलवाड़ करने वाले ये मंत्री, ये उच्च अधिकारी कब तक ऐसी मनमानी करते रहेंगे? कब तक आम बेरोजगार युवाओं का गला घोटा जाएगा और कब तक इस तरह ट्रेनों में आग लगाई जाएगी? जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, और अगर आज जिम्मेवारी तय नहीं हुई तो मुझे डर है कि इन हालातों में भारत के युवाओं का भविष्य अंधकारमय है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। मैं हूं नीरज, आप है शिक्षा सुधार रोजगार के साथ।